Welcome to my video. This year, 2024. At the beginning of the year with a short video. I hope you're enjoying my video. All about the moment. And stories of the year. Thank you for watching. Hello G, welcome back to Journey to I Hub by Abroad. We are back with another vlog. तो जैसा कि आपको बताया बुडापेस्ट में समर शुरू हो चुका है. अभी हम लोग बुडापेस्ट की जो समर पार्टी है, समर सीजन है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि समर में बुडापेस्ट में कौन कौन सी पार्टी प्लेसेस फेमस हैं. तो चलो जी उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं आज बुडापेस्ट की नाइट लाइफ कैसे दिखती है और सबसे बड़ी बात समर में कितने टूरिस्ट यहाँ पे गिरते हैं. सो व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया तो उसको शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट लास्ट भी करना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हाँ जी, बात ऐसी है कि मैं आपको अभी एक बुडापेस्ट के ऐसे क्लब में लेके जाने वाला हूँ, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता क्योंकि वो आप सब लोगों के लिए सरप्राइज है. सरप्राइज का मतलब है कि आपको डायरेक्टली दिखाया जाएगा कि वो क्लब दिखता कैसे है, वहाँ पे लोग किस कैटेगरी गए हैं और सबसे ख़ास बात उसमें म्यूज़िक कैसा बजता है. अभी बुडापेस्ट में अराउंड मिडनाइट का टाइम चल रहा है, थर्सडे है, वीकेंड भी नहीं है, फिर भी इतने सारे लोग हैं कि मैं अगर आपको कहूं कि पाकिस्तान में इतने लोग दोपहर के टाइम घूम रहे होते हैं. तो ये है बुडापेस्ट के लेवल. लेकिन आप लोग वेट करो, अभी जब हम उस क्लब में जाएंगे आपको उस क्लब का व्यू दिखाएंगे कैसे वो डेन्यूब के किनारे है और सबसे खास बात उस क्लब का जो म्यूजिक है, ओहो दिल को छू जाने वाला है. तो चलो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना क्योंकि अ लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग ऑन द वे. तो मिलते हैं डायरेक्टली उसी क्लब में, उसी जगह में जहां पे उसने मुझे छोड़ा था. अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी क्लब के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लान में ट्विस्ट आ गया. ट्विस्ट ऐसे आया कि रास्ते में एक बहुत खूबसूरत जगह, बिल्कुल आपके राजा भाई की तरह आ गई थी. तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत बड़ा क्राइम होगा अपनी ऑडियंस से ना शेयर करना. तो मैं अपने कैमरामैन बॉय से, अपने प्रतीक भाई से कहना चाहूँगा कि ऑडियंस को इस जगह का 360 व्यू दिखाया जाए. प्रतीक भाई ये जगह कैप्चर की जाए. रिसेंटली पाकिस्तानी गाने सुनने का शौक पड़ा है. मेरा एक दोस्त था, अभी वो इटली मूव हो गया है, उस बंदे ने मुझे पाकिस्तानी गानों पे लगा दिया है. ये जहरीले गाने हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि पाकिस्तानी गाने ना सुनो यार, एक बार सुन लो फिर छूटते नहीं है. हम तुम यहाँ में आज ये गाने ऐसे हैं कि सिर्फ दिल पे बजते हैं, दिल पे बजते हैं. तो बाकी अभी यार आपको
उस जगह पे लेके चलते हैं जहाँ पे म्यूजिक दिल पे बजेगा लेकिन लोग भी बजेंगे, क्योंकि लोग हंगरी के इतने खूबसूरत हैं मैं अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। तो कैमरामैन चलो चलते हैं इनको उस जगह पे लेके जाने के लिए जो इन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी? 3, 2, 1। तो हाँ जी गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आपको बुडापेस्ट के ऐसे क्लब में लेके जाने वाले हैं जहाँ पे समर वाकई रियल मीनिंग में इंजॉय किया जाता है, समर को दिखाया जाता है। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बहुत लेवल का व्यू आया तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस से ये व्यू शेयर किया जाए, क्योंकि इस व्यू के बगैर बुडापेस्ट टोटली इनकम्प्लीट है। तो उम्मीद है हवा बहुत तेज चल रही है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, आप ये व्यू को एंजॉय करेंगे। तो ये रहा कुछ मिनट में बुडापेस्ट का सबसे खूबसूरत व्यू। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। ओ माय गॉड, एक चीज तो मैं आपको बताने ही भूल गया। मैं सोच रहा था कि ये जो मेरे पीछे आप वो पार्लियामेंट देख सकते हो बुडापेस्ट का, ये बुडापेस्ट का पार्लियामेंट है, इसके व्लॉग भी मैंने ऐड किया हुआ है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा ऊपर, देख लेना। अभी रात के 12 बज गए हैं, रात के 12 बजे ये पार्लियामेंट की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, इसलिए आपको शायद वीडियो में ना दिखे, बट मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा बिल्कुल दिल था कि आपको बुडापेस्ट का पार्लियामेंट का जो ब्रिज से व्यू है वो दिखाया जाए। तो ये था हमारा ब्रिज से व्यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट्स ऑफ होने की वजह से हम इसको कवर नहीं कर पाए। डोंट वरी, जिन्होंने नहीं व्लॉग देखा वो जाके अपना पार्लियामेंट वाला व्लॉग देख लेना। और चलो अभी हमारा जो क्लब है यहाँ से कुछ मिनट के फासले पे है, चलते हैं क्लब की तरफ और चलो आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं बुडापेस्ट में पार्टी किस लेवल की होती है। गाइस आपको बताते चले, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डार्क स्क्वायर पे, जो बुडापेस्ट का बहुत बड़ा फेमस स्पॉट है। यहाँ पे हर वीकेंड इतने सारे लोग होते हैं कि आपको बता नहीं सकते। तो चलो इस जगह का भी 360 व्यू आपसे शेयर करते हैं, उम्मीद है ये जगह आपको पसंद आएगी। और सबसे खास बात अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे पूल बना हुआ है और पूल के नीचे रेस्टोरेंट है। तो चलो ट्राई करते हैं इसको कैप्चर करने में, उम्मीद है आपको दिखेगा। एंड आर यू एक्साइटेड? 3, 2, 1 हियर वी गो। आप देख सकते हैं ये रहा डार्क स्क्वायर का पूल और ये रहा वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात करूं। पूल के नीचे आप देख सकते हो वो चेयर्स पड़ी हैं, नीचे हर वीकेंड पार्टी होती है, तो मे बी नेक्स्ट वीकेंड आपको लेके चलेंगे। तो अभी हम बुडापेस्ट में एक बहुत बड़ा एंड बहुत फेमस चर्च है उसके सामने खड़े हैं, जिसका नाम है बजिलिका चर्च। तो कभी आपको इसके अंदर का भी टूर करवाएंगे। बड़ा हाल आप ये देख सकते हो कि ये चर्च हमारे पीछे है, आपको 360 व्यू दिखाते हैं। और जो हमारा क्लब है जहां हम आपको लेके जाने वाले हैं, ये चर्च से ऑलमोस्ट लाइक 5 से 7 मिनट की वॉक है और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, टेंशन ना लो, 7 मिनट में उस क्लब में होंगे जहां हम आपको लेके जाने वाले हैं, जो आज की रात का मेन व्यू है, मेन पॉइंट है। तो चलो चर्च कवर करते हैं, क्लब में चलते हैं, पार्टी करते हैं और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो दिखाते हैं। तो ये स्क्वायर बुडापेस्ट के ऐसा स्क्वायर है जहाँ पे आपको हर किस्म के खाने, हर किस्म की कॉफ़ी, हर किस्म का जो क्लब है वो इंजॉय करने को मिल जाएगा। तो कभी बुडापेस्ट में आए इस चर्च को विज़िट करना ना भूलना। और सबसे बड़ी बात, इस चर्च के आसपास जो जितने भी क्लब हैं, जितने भी खाने के पॉइंट हैं और कॉफ़ी प्लेसेस हैं,
उनको भी इंजॉय करना, टेस्ट करना ना भूलना। बाकी एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी कॉफ़ी प्लेस पे जाते हो, अगर आप उनको बोलते हो कि आप स्टूडेंट हो, आपको 10% डिस्काउंट देंगे, बेशक वो आपका कार्ड चेक नहीं करेंगे मगर 10% डिस्काउंट आपको दे देंगे। सो डिस्काउंट लेना ना भूलना। You know what to do with that big fat butt. She get big gula. Big gula. तो चलो जी, इस स्टैचू की आपको कहानी बताते हैं। कैमरामैन थोड़ा पास आ जाओ, पास आ जाओ। तो गाइस, हम लोग अभी बुडापेस्ट के मेन सिटी सेंटर में खड़े हैं। बाजिलिका का जो चर्च मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले दिखाया है, उसके सामने खड़े हैं। तो ये स्टैचू, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। आपको पता है, ये स्टैचू का पेट और राजा भाई का पेट ऑलमोस्ट दोनों सेम है। बट इट्स ओके। सो इसके पेट के पीछे कहानी है। कहानी यह है कि जब मैं बुडापेस्ट में नया नया आया था, तो मुझे किसी ने बताया था कि इसके पेट को हाथ लगाने से आप जो भी विश करते हो वो विश पूरी होती है। तो मतलब इसका जो पेट है वो गुड लक है। तो चलो जी, कैमरामैन थोड़ा पास हो। तो चलो जी, आज हम भी एक विश मांगते हैं और देखते हैं वो विश पूरी होती है नहीं। तो चलो जी, विश मांगने लगा हूँ, आप देख लेना मैं क्या विश मांग रहा हूँ। ये आंखें क्लोज हो गई हैं। काश मेरे इसी साल 2024 में 1000+ सब्सक्राइबर हो जाए। वीरे हेल्प कर दी यार। तो हमने विश मांग ली है, उम्मीद है कि आपको आवाज़ नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना ब्रो। तो चलो भी, विश मांग लिया है, इंजॉय कर लिया है, निकलते हैं क्लब की तरफ। क्लब ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मिनट के वॉक पे है। लेट्स गो, फॉलो मी। तो गाइस, उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। अभी हम लोग एक क्लब में खड़े हैं। ये क्लब देख के मुझे स्टोरी की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करते जाएं। ये स्टोरी ऐसी है कि जब मैं हंगरी में बुडापेस्ट में आया था 2018 में, तो मैं और एक और दोस्त थे, हम लोग इस क्लब में एंट्री के लिए आ रहे थे। तो तब गर्मियाँ थी, मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, मेरे दोस्त ने शॉर्ट्स पहना हुआ था। तो यहाँ के जो बॉडी गार्ड है उसने हमें एंट्रेंस के लिए मना कर दिया। तो मैंने दिल में एक ठान ली, मैंने सोचा कि एक दिन आएंगे और तुझे बताएंगे कि एशियन बंदे, पाकिस्तानी बंदे, राजा भाई बंदे कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमें क्लब में उन्होंने एंट्रेंस नहीं दी। तो लेकिन आज हम लोग फुल ड्रेस्ड अप हैं, गले में चेन पहनी है, पैंट शर्ट पहनी है। दिखाया दे ऑडियंस को, दिखाया दे, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऑडियंस को दिखाया दे। मैंने उस दिन दिल में ठानी थी कि इस क्लब में एंटर होंगे, उनको बताएंगे कि उस दिन उसने हमें रोका था, लेकिन आज हमें रोक के बताए, आज हम एंटर हो गए हैं। ये था ये क्लब। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब आप वेल ड्रेस्ड होते हो, जब आप अपना आप शो कराते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकती नहीं है। आपको बताया कि आपके राजा भाई की फेवरेट गाड़ी है जी वैगन 63। तो आज मैं वॉक कर रहा था, वो गाड़ी मुझे दिखने को मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मूवमेंट, ये गाड़ी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर ली जाए, ताकि कल को जब मैं ये गाड़ी लूँगा ना, तो रियलिटी भी आपके सामने होगी। आप ये गाड़ी चेक करो यार, G63 जी वैगन, और वो भी गोल्डन कलर में यार। ये पड़ी है वो गाड़ी, कमेंट्स में बता देना आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात, ये जगह बुडापेस्ट की ऐसी है कि यहाँ पे हर एक गाड़ी आपको हैवी से हैवी मिलेगी। और यार भैंस की दुम। देख रहे हो, वो पिछली गाड़ी देख के मुझे गाना याद आ गया सिद्धू का, वो कहता है कि जी क्लास जी वैगन जाम करे सोनिए, जट जो भी करे सरे आम करे सोनिए। यही है ब्रो, एक दिन निकालेंगे जी वैगन और ऐसे ड्रिफ्टिंग करेंगे। आपकी सपोर्ट रही
उस रब की मर्जी रही और एक दिन जी वैगन आपके राजा भाई के हाथ में होगी, हाथ में होगी। यार सीन ऐसा है कि प्लान हमारा थोड़ा चेंज हो गया। चेंज इस वजह से हुआ है कि जैसा कि आपको बताया, मेरे व्लॉग का दूसरा पार्टनर पाजी, उन्होंने मैसेज किया है कि वो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी प्लान ये है कि हम पाजी को उठाएंगे, दो दोस्त और आ रहे हैं, फिर ऑल टुगेदर हम चार लेके जाने वाले हैं आपको बुडापेस्ट में एक ऐसी जगह पे जिसका नाम है पोंटून। पोंटून एक ऐसी जगह है कि ओपन बार है, दरिया के किनारे है, और उसका जो लेवल है, उसका जो व्यू है, सबसे ख़ास बात उस क्लब में जो क्राउड आता है वो पूरा इंटरनेशनल आता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है हम आपको उस क्लब में लेके जाने वाले हैं, उस क्लब का माहौल दिखाएंगे। तो चलो आज करते हैं पार्टी थ्रू माय लेंस विद राजा भाई। तो गाइज सीन ये है कि मैंने सोचा कि जैसा कि हम डेन्यूब के किनारे वॉक कर रहे हैं तो हमारे दोस्त भी साथ हैं, लेकिन वो थोड़े शाय हैं। तो चलो कुछ दोस्तों से बातें करते हैं, इनकी राय पूछते हैं, इनसे गपशप करते हैं। बट मैं आपको बताता चलूँ कि ये थोड़े शाय हैं। हमारी टीम में एक नया बंदा है जिसका नाम है प्रतीप प्रताप। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी टीम में जब कोई नया बंदा आता है तो उसका रूल होता है कि उसको तीन सवालों का जवाब देना होता है। पहले कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर योर एक्स, दूसरा कि राजा भाई के लिए कोई मैसेज, तीसरा पोइट्री। प्रतीक भाई जो है हमारे थोड़ा शाय हैं, वो कैमरे में नहीं आना चाहते, लेकिन उनकी आवाज़ जो है हम आपको सुनाएंगे। सो प्रतीक भाई थ्रू मी, पहला क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द मैसेज फॉर योर एक्स, एनीथिंग ऑडियंस वाला नो, ऑडियंस वाला नो। तो गाइस प्रतीक मान गया है, मैंने उसको बोला कि बाद में मैं तुझे पेलूंगा। यार बात हो गई। सो बैक टू द पॉइंट, प्रतीक से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैसेज फॉर योर एक्स। प्रतीक, एज वी विल नॉट शो योर फेस बट आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड योर वॉइस, सो मैसेज बताया जाए आपकी एक्स के लिए। मैसेज क्या है आपकी एक्स के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तू सोनी मैं सोना, तू सोनी मैं सोना, सुन ले मेरी गल, तू ध्यान नाल आ, रिपीट, तू सोनी मैं सोना, पर तू ही नहीं सोनी जिन्ना मैं सोना। हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज? अगर वैसे आप मनोरंजन करना चाहते हैं तो पहले सब्सक्राइब करें जी, और लाइक करें, कमेंट करें, इसके बाद जो मजेदार चीजें हैं वो मैं अगले चैनल में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगले तीसरा मैसेज है, कोई शायरी हमारे चैनल से आप जुड़ गए हैं, आपका नाता बन गया, एक पोइट्री बनती है ऑडियंस के लिए, हमारे लिए कोई एक पोइट्री प्रतीक भाई बता दे, एक पोइट्री कोई भी जैसी मर्जी। हमें तो अपनों ने लूटा, ओके, इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरव के पास कुछ बचा ही नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल, डैम गाइस, गाइस प्रतीक भाई काफी सीरियस हो गए हैं, बट आपको बताते चले कि ये थी हमारी कहानी, ये थी हमारी स्टोरी, हमारे यार दोस्त मित्र शुगर मेरा लगा रहे, लाइफ इसी चीज का नाम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने क्लब की तरफ, अपने समर स्पॉट की तरफ जिसका नाम है पोंटून। तो काफ़ी वेट करा लिया आप लोगों को, अभी वेट नहीं कराएंगे, डायरेक्टली लेक चलते हैं और दिखाएंगे पोंटून का व्यू, पोंटून का लेवल राजा भाई से ऊपर है या नहीं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग डेन्यूब के किनारे खड़े हैं। तो मैंने कहा कि चलो आपके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू उसको मैसेज दे देता हूँ कि अगर अभी भी तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मैं जा रहा हूँ। प्रतीक हाथ पकड़ लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ इस डेन्यूब के अंदर। प्रतीक नहीं, बोर हो गया,
वो एक्सेप्ट नहीं कर रही यार राजा भाई का। भाई किसी ने नहीं बचाना, छलांग लगा दी तो। यार आप दुनिया का बहुत बड़ा यूट्यूबर खो दोगे फ्यूचर का। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। उसको बोल दो कि अगर अभी भी रोका नहीं ना, अभी भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो गन्ना चार ते बंदे दो ने कहा हो तुम सेन्योरिटा। गाइस मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे प्रतीक भाई ने हमारे क्वेश्चंस के रिप्लाई किए, कितना वो शाय हैं, आप उनकी पोएट्री आप उनके रिस्पॉन्सेज से गेस कर सकते हो। तो थोड़ा यार कमेंट्स में बता देना प्रतीक भाई के लिए एडवाइस क्या है, कि आप क्या सोचते हो कि कोई बंदा अपनी शायनेस कैसे जो है दूर कर सकता है। और बाकी चलो आपको ये व्यू दिखाते हैं जहाँ पे अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, राइट इन फ्रंट ऑफ अस हमें पॉन्टून दिख रहा है। अभी आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो अभी आपको जो कॉर्नर वाला व्यू है वो दिखाते हैं। ये व्यू दिखाने के बाद आपको राइट इन द मिडल ऑफ पॉन्टून राजा भाई स्टैंडिंग विद सम गर्ल्स सिली मी, नहीं नहीं नहीं, नॉट विद गर्ल्स, विद माय बॉयज। एंड वी गोना कैप्चर हाउ पॉन्टून लुक लाइक, म्यूजिक, लोग एंड वहां का माहौल। सो अभी ये रहा इस जगह का व्यू आपकी स्क्रीन पे। आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मेन मंजिल पे, अपने मेन लोकेशन पे, जिसका नाम है पॉन्टून, जिसका नाम है पॉन्टून। तो ये थी हमारी समर स्पॉट जहाँ पे हम आपको लेके आने वाले थे, जहाँ पे म्यूजिक, जहाँ पे लोग क्रेजी हुए पड़े हैं। आपको बताना चलूँ कैमरा मैन इनको इस जगह का 360 व्यू दिखा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी हम इस क्रम में एंटर हुए हैं, आगे देखते हैं होता है क्या। तो चलो विलास को पूरा देखना और सारे क्लब आपको दिखाएंगे, आपको एंजॉय कराएंगे। तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर गाइस। यहाँ पे रोला मचा हुआ है, क्लब फुल हाई चल रहा है, म्यूजिक बहुत हाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉन्टून में आग मची हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसकी क्लिप जो है कैप्चर कर सकूँ। आज ये क्लिप कैप्चर करो, क्लिप क्लिप गाइज। जैसा कि अभी हमने आपको पॉन्टून दिखाया, पॉन्टून था बहुत ज़्यादा हैवी, क्राउड आया हुआ है, म्यूजिक बहुत हाई बज रहा है, जहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो पॉन्टून के साथ ही अगर आप ब्रिज क्रॉस करोगे आपको नया पार मिलेगा जिसका नाम है रैक पार्ट। तो हमने, मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया है कि हम रैक पार्ट जाते हैं। वो वहाँ का जो व्यू है, वहाँ का जो बार है, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसे करते हैं। तो चलो अभी रैक पार्ट लेके चलते हैं, जब तक पॉन्टून में
ज्यादा लोग जो है कम नहीं होते। तो ये है हमारा रेक पार्क। ऐसा है कि हर जगह बहुत ज़्यादा रश है, वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा रश है। तो चलो अभी मैं कोशिश करता हूँ पोंडन के जो क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ पोंडन दिखता कैसे है और यहाँ पे जो पार्टी के हालात हैं वो कैसे हैं। तो चलो कोशिश करते हैं। गाइज बताना आपको ये था कि देखो आपका भाई कितना पैसिमिस्टिक है, वो नहीं मिली लेकिन फ्लावर मिल गया। फ्लावर ढूंढ लिया, जगह ढूंढ ली, प्रपोज करने का आइडिया भी माइंड में है मगर मिली नहीं। तो वो तो चलो यार उसको ढूंढो अपनी भाभी को, ताकि फ्लावर है, जगह है, मूवमेंट है और जो है हम लोग उसको प्रपोज करें। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट्स में बता देना अपनी राय, अगर मिलेगी तो मान जाएगी और कितना टाइम लगेगा, क्या कहते हो आप लोग। गाइस अभी हम लोग आपको एक नए क्लब में लेके आए हैं, इसका नाम है फ्रंट टेरेस। ये भी बुडापेस्ट का बहुत बड़ा फेमस क्लब है। आप रुकते नहीं है, आप इनको 360 व्यू दिखाओ। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, आज का फ्लावर। उम्मीद है आपको ये फ्लावर और ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाजमी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है कि राजा भाई आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए, शुगर मिला ऐड करने के लिए। तो बाकी बताना ये है कि हमारा कॉन्टेंट किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होता और ना ही कभी सीरियस लेना है। जो हम जोक्स, जो हम लाइनें डालते हैं सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए, इंटरटेन करने के लिए। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है तब तक इस फ्लावर का कोई हकदार आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर अपनी ऑडियंस में से किसी को चूज़ करके ये फ्लावर देना पड़ेगा। तो बाकी बस अभी हमारी आ गई है, निकलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
टेक केयर, चाओ।